युवा बेरोजगारों ने आज अजय कुमार के नेतृत्व में लंबित भर्तियों को तुरंत धरने की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन किया व नगराधीश को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। युवा बेरोजगारों ने आरोप लगाया कि हरियाणा में भर्तियां लंबे समय से अटकी हुई हैं। हरियाणा पुलिस की भर्ती 2018 से लंबित है, यहां तक कि सीईटी की परीक्षा भी 2 वर्षों से नहीं हो रही है। ग्राम सचिव कुणाल पटवारी आदि की भर्तियां भी कई सालों से अटकी हुई हैं। बेरोजगार युवा ओवरएज हो रहे हैं। युवा बेरोजगारों ने नई शिक्षा नीति को अमीरों का संरक्षण देने की नीति बताया। के द्वारा पिछले दिनों जैसे कलर का पेपर दोबारा कैंसिल कर दिया गया, उसके अंदर कमियां पाई गई है और उस चीज को लंबा खींच रहे हैं। जैसे हरियाणा पुलिस का अब तक रिजल्ट नहीं आया, ये बच्चे तो पिछले दो दो तीन तीन चार चार साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई है, जो चीजें लंबी खींचती जा रही है उनको लेके हमारी मांग है कि ये सारा का सारा प्रोसेस 6 महीने साल के अंदर जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और जितनी भर्तियां बाकी है पेंडिंग है उनको जल्दी निकाला जाए, ताकि जो हमारा जो युवा है देश का वो रोजगार से में लग जाए और वो हमारी एक इकोनॉमी की जीडीपी है जो उसको बढ़ावा मिले। कि इतने साल से इतने टाइम से जो बच्चा बेरोजगार बैठा है वो कब तक बैठे, कितना समय लगे, ये हम ही सभी स्टूडेंट मिलके कर रहे हैं जी, ताकि सारे सारे जो फतेहाबाद के लोकल स्टूडेंट हैं सभी इकट्ठा हुए एक जगह पे एमएम कॉलेज में, वहाँ से हम सभी बच्चे पैदल चले और यहाँ तक आए हैं, ताकि हम हमारा ये ज्ञापन है जो हम डीसी में सर को उनको दें और उनको बताएं कि जो हरियाणा के अंदर इतने समय से जो भर्तियां हैं वो लंबित चल रही हैं। जैसे पटवारी का हो गया, कैनाल पटवारी का हो गया, वो पिछले 3 साल से 2 बारी पेपर हो गया, वो कैंसिल हो गया, अब उसको कह रहे हैं सीईटी मिलेंगे, सीईटी की बात चली थी पिछले साल लेने की और जो अब तक फाइनली नहीं हो पा रही, तो वो कितना समय लगेगा, तो बच्चा कब तक तैयारी करता रहेगा, घर वाले कब तक पैसा दे सकते हैं, कोई 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 3, 4 साल किसके घर के वाले दे सकते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, आखिरकार क्या करेगा, जारी रहेगा, फिर दोबारा आएंगे जी। हमको ये लगता है कि सरकार इसके अंदर संज्ञान लेगी, क्योंकि हम जब जब कर रहे हैं सरकार कह रही है कब हो जाएगा वो जाएगा, पर वो कब होगा आखिरकार कब, जैसे पिछले दिनों में सीएम साहब ने बोला है कि हम दोबारा जल्दी करेंगे, डी वाला फाइनल हो चुका है, सी के अंदर टाइम लग रहा है, तो कम से कम डी का तो लीजिए आप, एक भर्ती को स्थगित कीजिए, आप बार बार उनको आगे पीछे टाल रहे हो। जैसे ये हरियाणा पुलिस का था पेपर हो चुका है, उसका आप रिजल्ट जाहिर क्यों नहीं कर रहे, कलर के अंदर जो गड़बड़ियां थी तो आपने पहले ही उनको क्यों नहीं छांटा, आज 3 साल बाद जो लगा वो उनको उठा दिया और जो नहीं लगे वो उनको आप उसमें कर रहे हो और अभी तक उसमें गड़बड़ियां पाई जा रही, फिर उसके अंदर क्या चीज आपका वो हो रहा है, क्या नाम है आपका? अजय कुमार जी।